आज आपसे मिलने आए हैं, आज हम आपसे बातचीत करेंगे, आज हम आपसे प्रभु यीशु से प्रार्थनाएं करेंगे, आज हम आपकी वर्शिप करेंगे, आज हम आपकी स्तुति करेंगे, क्योंकि तू भला परमेश्वर है, तू दया दिखाने वाला परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। पिता धन्यवाद करते हैं, तू अद्भुत परमेश्वर है, तूने हमें अद्भुत रीति से रचा है, तूने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है। धन्यवाद यीशु, तू अद्भुत है। धन्यवाद प्रभु, इस सभा का सारा नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बातें ना रहे प्रभु जो आपको महिमा ना देती हो। प्रभु शैतान संसार के हर एक शक्तियां, हर एक युक्तियों को हम यीशु के लहू से हम बांध देते हैं। प्रभु आपकी स्वतंत्रता को इस स्थान में घोषित करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो अरे अंधों को आंख दिया यीशु ने, बोलो अंधों को आंख दिया यीशु ने, अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अरे अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। सभी को मसीहा की जय बोलो।
तुझे सराहते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू सचमुच योग्य है, तू सचमुच सामर्थी है, तू सचमुच पवित्र है। हम तेरे सामने झुकते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपने आप को हमारे लिए उन्मोल दिया, तूने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि हम तुझे भरपूरी से पाए, तुझे भरपूरी से अनुभव करें। हम अपने गहराई से, हम अपने जीवन की संपूर्णता से तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसे तो ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। क्या ही अनुग्रह का दिन हमारे लिए परमेश्वर देता है। प्रत्येक दिन जब हम प्रभु के साथ में बिताते हैं तो हमारा अनुभव पहले से अधिक बेहतर होता चला जाता है, क्योंकि उसने अपने वचन में ऐसा ही कहा है। मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और 18 पद। नीति वचन अध्याय 4 और पद 18, हम लोग इसको एक साथ पढ़ेंगे। जब ये पुस्तक लिखी गई थी उस समय और उसके बहुत बाद तक, उसके लगभग 1000 बाद तक, लोग इसके गहराई को अनुभव नहीं कर पाए, लोग इसको समझ नहीं पाए, इसका आनंद नहीं ले पाए, इसकी आशीष नहीं ले पाए, लेकिन आज वह हमारे लिए उपलब्ध है। आइए हम लोग इसको एक साथ पढ़ें। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। धर्मियों की चाल किसके समान है? उस ज्योति के समान है, उस सूरज के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। सूरज दिन निकलता है तब दिखाई देता है, उसकी रोशनी धीमी रहती है, फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है सूरज की रोशनी, उसकी चमक को हम और अधिक महसूस करते हैं, हम और भी अधिक तेज उसको देखते हैं। जैसे जैसे दोपहर की तरफ सूरज जाता है, उसकी चमक और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। और वचन कहता है कि धर्मियों की चाल भी ऐसी ही है। हालेलुया। जिस समय ये पद लिखा गया था उस समय तो कोई किसी समय धर्मी होता था, दूसरे ही पल पापी भी हो जाता था। नूह के विषय में कहा गया कि वो धर्मी व्यक्ति था, लेकिन कुछ ही समय के बाद हमने उसको पाप की दशा में पाया। दाऊद के विषय में कहा गया कि परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, कुछ ही समय में पाया गया कि वो तो पाप के वश में चला गया। उस समय के जो लोग थे वे लोग अपने विषय में कह नहीं पाते थे कि हम धर्मी हैं, क्योंकि दूसरे ही पल वे पाप में पड़ जाते थे और उनकी सारी धार्मिकता जाती रहती थी। और जो भी कि वचन लिखा हुआ था कि उनकी चाल उस ज्योति के समान है जो बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी उसका अनुभव नहीं कर पाए। इसलिए हर एक लोग जो उस समय हुए वे उन्नति की ओर गए, फिर उनका पतन भी हो गया। वचन में यह नहीं लिखा था कि दोपहर के बाद जिस प्रकार सूरज ढल जाता है, उसकी रोशनी मंद पड़ जाती है, समाप्त हो जाती है, धर्मी उनकी चाल भी वैसी ही है। उसने नहीं कहा, उसने कहा धर्मियों की चाल बढ़ती जाती है उस ज्योति के समान, उनकी आशीष, उसकी भरपूरी बढ़ती जाती है, उसका जीवन बढ़ता जाता है, उसको भरपूरी से अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जब से यीशु मसीह आया, अब हमारी धार्मिकता हमारे कामों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था रोमियों की पुस्तक और उसके 5 अध्याय और उसके पद 19 में, आपको याद होगा धार्मिकता के विषय में जब हम सीख रहे थे, वहां पे लिखा था कि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य अर्थात आदम की आज्ञा न मानने से लोग पापी ठहरे, एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह की आज्ञा मानने के कारण बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे।
यीशु मसीह ने आज्ञा मानी, पिता की आज्ञा, और इसी की वजह से वो दुख उठाने को तैयार हो गया, क्रूस पर जाने को तैयार हो गया, उसने दास का स्वरूप धारण किया और वो मर गया। उसकी इसी आज्ञाकारिता के कारण उस पर विश्वास करने वाले धर्मी ठहराए गए। उसी एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के कारण, मैं अपनी आज्ञाकारिता के कारण नहीं, आप अपनी आज्ञाकारिता के कारण नहीं, आप अपने चाल चलन के कारण धर्मी नहीं ठहराए गए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, क्योंकि यीशु मसीह ने उस महान काम को किया था। और जो धार्मिकता का दान हमें दिया गया, स्थिर रहता है, यह हमारे विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, हमने प्राप्त किया। अब हम धर्मी लोग ठहरा दिए गए, हम धर्मी लोग बना दिए गए। सो जिस वचन को पुराने समय के लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया या थोड़े समय के लिए अनुभव किया था, वो वचन हमारे लिए है। हम इस पर दावा करते हैं, आपको भी करना चाहिए। हमारी चाल उस ज्योति के समान है जो बढ़ता जाता है। हम घटने वाले लोगों में से नहीं, हम औन्नति के पथ पर जाने वाले लोगों में से नहीं है, हम बढ़ने वाले लोगों में से हैं। हमारा अनुभव ऐसे ही होना चाहिए। हमारी परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं रहेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे भीतर जो नया मनुष्यत्व दिया गया, ये मनुष्यत्व हमेशा ऊंचाई पर रहना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड है, इससे नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। यदि आपका अनुभव इस प्रकार से नहीं है, यदि अभी भी आप शरीर में घुमाए जाते इधर से उधर, विचारों में इधर से उधर घुमाए जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा अभी तक। हम लोग जब फरवरी महीने से सीखना आरंभ किया, हमने बहुत सारी बातों को सीखा। अब मैं समझता हूं, जितनी बातों को आपने सीखा है, उन बातों को आत्मसात कर ले तो दुनिया को उलट पुलट करने से कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। मुझे एक पद बहुत अच्छा लगता है प्रेरितों के काम की पुस्तक में, जब चेलों के विषय में लिखा गया, मैं उसको अभी पढ़ूंगा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके विषय में संसार के लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि ये लोग जिन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर दिया, वे इधर भी आ गए हैं, यहां भी आ गए हैं। तो उन्होंने उलट पुलट कर दिया था, 12 लोगों से शुरुआत हुई थी, और दुनिया बहुत बड़ी थी उनके लिहाज से, लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी उनके लिहाज से। भारत में हम लोगों को कहते हैं 2-3% है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है हमारे लिहाज से, लेकिन हम 12 लोगों के मुकाबले अपने आप को छोटा देखते हैं। कारण यह है कि उनके पास जो कुछ था शायद हमारे पास में नहीं, और इसलिए हम लोगों को परमेश्वर की तरफ मुड़ने की जरूरत है। और इतने समय से जो कुछ आप सीख रहे थे वो यही था, वो भेद जो सदियों से गुप्त रहा उसको परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में प्रकट किया है, उसको हमने समझा, उसको हमने देखा। हम चाहते कि उसको अनुभव किया जाए। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हम अनुभव को वचन बनाना नहीं चाहते, हम जो वचन पढ़ते समझते हैं उसको अनुभव बनाना चाहते हैं। हालेलुया, हम उसको अनुभव बनाना चाहते हैं। सो जो भी बातें हैं वह आत्मा की बातें हैं, और इसलिए आत्मा की बातें तो उन बातों को अनुभव में बदलने के लिए हमें शरीर से आत्मा की यात्रा करनी पड़ेगी। शरीर को नीचे छोड़ देना पड़ेगा और आत्मा की तरफ रुख कर लेना पड़ेगा, तब जाकर हम वहां से सारी बातों को इधर लेकर आएंगे। हम शरीर में चलते चलते सारी बातों को भरपूरी से एंजॉय कर ले, यह संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सब भरपूरी हमारी आत्मा में दिया है। प्रार्थना हमें सिखाती है कि किस रीति से हम अपने आप को आत्मा में रखें। प्रार्थना परमेश्वर को कन्विंस नहीं करती, परमेश्वर को मजबूर नहीं करती, परमेश्वर का दिल नरम नहीं करती कि परमेश्वर कठोर है और हम प्रार्थना करते रहे वो तंग आ गया तब वो दे दिया। कई बार जब लोग नहीं समझते तो इसी प्रकार से करते हैं, लोग सोचते हैं, कई बार तो लोगों को लगता है शायद कुछ कोरम पूरा करना होता होगा। सो एक प्रार्थना निवेदन है मेरा, सो जितने चाहे उतने लोगों को बांट, क्योंकि एक आदमी बोलेंगे तो परमेश्वर को तंग नहीं कर पाएंगे। सो 100 लोग बोलेंगे तो शायद वो तंग आ जाए और तब मजबूरी में दे दे लो। तो जितने ज्यादा लोगों को फैला दो, हमारा रिक्वेस्ट ये है, मेरा रिक्वेस्ट ये है, मेरे अकेले से हो नहीं रहा, वो मान नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है, मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। हम जोर से मिलकर चिल्लाएंगे तब वो सुनेगा और देगा। कई बार लोग ऐसा सोचते, हम परमेश्वर को कन्विंस नहीं करें, परमेश्वर ऑलरेडी हमारे पक्ष में। जब उसने हमारे लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया, वचन कहता है रोमियों की पत्री 8 अध्याय में, तो बाकी सब कुछ उसके साथ क्यों ना देगा।
आपने कभी उससे उसका पुत्र मांगा? कभी नहीं मांगा, फिर भी उसने दिया। उसके साथ बाकी सब कुछ भी दिया है, उसको अलग से कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, अलग से मनाने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, बल्कि हम लोगों को कन्विंस होने की जरूरत है। और यही हम प्रार्थना में करते हैं। परमेश्वर ऑलरेडी जानता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? या जानते भी हैं तो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम शरीर में रहते हैं, और इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं हम आत्मा में आते हैं। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को जो प्रार्थना करता है, इस बात को समझना चाहिए, प्रार्थना करना आत्मा की बात है। हम अपने शरीर को जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रार्थना करना आत्मा की बात है। हम आमतौर पर प्रार्थना करना कैसे सीखते हैं? हम लोग लोगों को देखते हैं कि वे लोग क्या बोलते हैं, वे लोग कैसे करते हैं। जब वे प्रार्थना करते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, है ना? हम लोग उनको देखते हैं और उसको देखकर नकल कर लेते हैं, उसको देखकर सोचते हैं कि शायद प्रार्थना करना ऐसा होता है। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था, वो टीवी प्रोग्राम देखता था, और टीवी में एक बहुत ही हाई लेवल का प्रोग्राम दिखाया जाता था, एक प्रचार का कार्यक्रम जिसमें बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती थी, और जो लोग सुनते थे समझा जाता था कि उनकी उनका लेवल बहुत बढ़ गया होगा। वे लोग अलग तरीके से प्रार्थना करते थे। तो उस लड़के ने उसको देखा और उसी रीति से उसने प्रार्थना करना सीखा, और उसको एक साइकिल चाहिए थी, तब वो प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, यदि ये आपकी दिव्य इच्छा में है कि मुझे साइकिल प्राप्त हो, तो मुझे साइकिल प्राप्त होने पाए आपकी महिमा के लिए, आमीन। लेकिन उसको साइकिल नहीं मिली। तब उसने दूसरा टीवी प्रोग्राम देखा, और उसमें लोग दूसरे तरीके से प्रार्थना करते थे, और उसने उसी रीति से सीखा और प्रार्थना किया। उसने घुटने टेक के, उसने गिड़गिड़ाया, और उसने कहा कि मुझे साइकिल चाहिए, यदि आप मुझे नहीं देते हैं तो। उसने लंबी चौड़ी प्रार्थना की, अपने दलील पेश किया, और उसके बाद उसने आंखें खोली और इंतजार किया कि साइकिल मिलेगी, शायद साइकिल नहीं मिली। वही दो तरीका उसको मालूम था, टीवी में वही दो प्रोग्राम देखे थे उसने। तब आखिरकार उसने क्या किया, उसके घर में मरियम की एक मूर्ति थी, तब वो उसको लेकर बाहर चला गया, अपने घर के पीछे बड़ी तेजी से वो चला गया, और कुछ देर के बाद वो वापस खाली हाथ आया, और तब वो प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, यीशु मसीह, यदि आप अपनी मां को दोबारा देखना चाहते हैं हम लोगों को देखकर सीखते हैं, और फिर वो तरीका काम नहीं करता है, तब फिर हम अपना तरीका निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोगों को गहराई से जानना चाहिए, समझना चाहिए हम प्रार्थना कैसे करें। आज हम लोग यही सीखें। इसमें कोई बात नहीं है कि हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्ति सामने खड़ा होगा, हो सकता है उसकी हिंदी अच्छी होगी, हो सकता है कि उसकी अंग्रेजी अच्छी होगी, तो वो अच्छी भाषा में बोलता होगा, और आप वो शब्द पढ़ते ही नहीं है, लेकिन आप शब्दों को कॉपी कर लिया, प्रार्थना में उन्हीं शब्दों को दोहरा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। प्रार्थना वास्तव में शब्दों की भी बात नहीं है, वो तो आत्मा की बात है। जब पवित्र आत्मा बोलता है, आने वाले समय में हम लोग सीखेंगे, जब पवित्र आत्मा हमें कुछ संदेश देता है, उसको कुछ कहना होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो शब्दों में ही कहे। उसको संदेश देना होता है, बस वो दे देता है, बिना शब्दों के हम लोग उसको रिसीव कर लेते हैं, वो हमारे अंदर में आ जाता है। हम लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करते हैं। शब्दों को हम कहते हैं,
और सामने वाले उस शब्द का अर्थ समझते हैं और इसलिए मेरे विचार को समझ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ जो हम बातचीत करना चाहते हैं उसमें हमारी भाषा भी छोटी पड़ जाती है, और शब्दों का कोई मतलब नहीं रहता। शब्दों को जरूर हम इस्तेमाल कर लेंगे, परमेश्वर शब्दों को इस्तेमाल करके हमसे बातचीत किया तो हम शब्दों को भी इस्तेमाल करें, लेकिन लिमिट वहां नहीं है, उससे बढ़कर है। हम अपनी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा के साथ में सहभागिता करते, संपर्क करते हैं। वो सर्वोत्तम स्थान है जब प्रार्थना का, हम उस स्थान पर पहुंचते हैं, वो उच्चतम स्तर है जब हम बिना शब्दों के ही हम उसके साथ में वार्तालाप कर सके, आत्मा टू आत्मा। हालेलुया। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हम बेसिक से शुरू करते हैं, का खा गा से सीखते हैं, एबीसी से सीखते हैं, और बाद में लंबे लंबे शब्द बना लेते हैं। इतने लंबे शब्द की पढ़ने में भी मुश्किल हो जाती है। तो हम लोग शुरुआत से सीखते हैं, हम शब्दों से ही सीखेंगे। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे या प्रार्थना करते हैं शब्दों के मार्फत करते हैं, तो हम लोग वहीं से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को इस बात को जानना चाहिए कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो जरूर परमेश्वर से कर रहे हैं, तो कैसे हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोगों को जानना चाहिए कि परमेश्वर कौन और कैसा है। तो बाइबल शब्द तो इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो सब कुछ इस ओर इशारा करते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है उसमें तीन व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लेकिन तीन परमेश्वर नहीं है, लेकिन एक ही परमेश्वर, हमारे समझ से बाहर की बात। दरअसल परमेश्वर को कोई समझ ही नहीं सकता है, वो हमारे समझ के बाहर की बात, उसको समझना मुश्किल। उदाहरण के लिए यदि हम एक चींटी को समझाना चाहें कि मनुष्य कैसा है, तो आप उसको चाह के भी नहीं समझा सकते। यहां तक कि चींटी को आपके शरीर पर छोड़ भी दिया जाए और वो सिर से लेकर पांव तक घूमकर उतर भी जाए तो उसको पता नहीं चलेगा कि मनुष्य कैसा है। उसी रीति से परमेश्वर इतना अद्भुत है कि वो हमारे समझ से परे, हमारी समझ से परे है, और उसने अपने आप को मनुष्य जाति पर जब प्रकट किया तो उसने उस स्टैंडर्ड में प्रकट किया जहां पर हम उसको समझ सके, थोड़ा भी समझ सके, उतना समझ सके जितना हमारी जरूरत का है, उसने उतना प्रकट किया। और जब उसने प्रकट कर दिया तो क्या पता चला कि उसमें तीन व्यक्ति है, पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा, और तीनों एक व्यक्ति नहीं है। जो पिता है वो पुत्र नहीं है, और जो पुत्र है वो पवित्र आत्मा नहीं है, तीनों अलग अलग है। क्योंकि जब यीशु मसीह थे यहां तो पिता से प्रार्थना करते थे, अगर वो एक ही व्यक्ति था तो किससे प्रार्थना करता था। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाद एक और सहायक आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा एक और सहायक है तो वो यीशु मसीह नहीं था। लेकिन बाइबल कहती कि परमेश्वर एक है, समझ से परे, फिर भी ऐसा है। हम लोग सिर्फ इसको विश्वास से समझते हैं, परमेश्वर त्रिएक है। लेकिन जब हम बाइबल में उनके कामों को देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि जो प्रार्थना है वो पिता से की जानी चाहिए। तीनों व्यक्तियों का रोल उसमें होगा। जो प्रार्थना हम करते हैं उसमें जो परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व है, तीनों व्यक्तित्वों से हम सहायता लेते हैं, संपर्क करते हैं। पिता से भी हमारा कुछ काम है, पुत्र से भी काम है, पवित्र आत्मा से भी काम है। सो पिता से हमारा काम क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पिता से प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह को लोगों ने पूछा, उसके चेलों ने पूछा, हमें प्रार्थना करना सिखा, तो उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करो, हे हमारे पिता। उसने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उन्होंने प्रार्थना करके कहा हे हमारे पिता। उन्होंने प्रार्थना करना सीखा, पिता से प्रार्थना करें। बाद में जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे हुए चौथे अध्याय में, उन्होंने प्रार्थना की तो किसको संबोधित किया, उन्होंने पिता को संबोधित किया। कई बार लोग सोचते हैं कि हम लोग यीशु मसीह से ही क्यों ना प्रार्थना कर ले, यीशु मसीह से भी मांग सकते हैं। उसने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुमसे करूंगा। मांगना प्रार्थना नहीं, मांगना एक छोटा सा हिस्सा है प्रार्थना। जब प्रार्थना की बात आती तो पिता को संबोधित करना चाहिए, और पिता से तो संबंध रखना सबसे गहरी बात है।
क्योंकि यीशु मसीह ने आप ही ऐसा कहा। यूहन्ना का सुसमाचार और उसके अध्याय 16, वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे थे और कह रहे थे, अध्याय 16 और उसके पद 25 से देखिए, यहां पर लिखा है, यीशु मसीह जो कुछ अपने लोगों को सिखा रहे थे उसकी हार्दिक इच्छा क्या थी, वो लोगों को क्या सिखाना चाहते थे। और याद रखिए, जब हम यूहन्ना का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों से आखिरी बार बात कर रहे हैं मरने से पहले। आखिरी बार उन्होंने बात की प्रभु भोज की रोटी तोड़ने के बाद, उसके बाद उसने अपने पिता से बात की प्रार्थना के द्वारा, फिर गतसमनी में फिर प्रार्थना की और पकड़वाया गया और फिर वो क्रूस पर ठोंक दिए गए। फिर तो जी उठने के बाद ही बातचीत की, आखिरी बार बात कर रहे हैं मरने से पहले, उसको मालूम है कि अब मरने का समय आ गया, सो कुछ विशेष बात कर रहे हैं। यदि आपको मालूम हो कि आपके मरने का समय आ गया है, या आपको मालूम हो कि आप 2 घंटे के बाद मर जाएंगे, आपको बता दिया जाए तो आप क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कुछ जरूरी बातें कहना चाहें। आप किसी को नहीं कहेंगे कि जरा मुझे चुटकुला सुना दो या मेरी तरफ से एक चुटकुला सुनो, नहीं। आखिरी समय को जरूरी बातें कहेंगे। यीशु मसीह भी कुछ जरूरी बातें यहां कह रहे थे और उन्होंने कहा 25वें पद से, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा परंतु खोल कर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। अर्थात जब वो पवित्र आत्मा के रूप में आएगा, उसके द्वारा आएगा, तब वो और भी गहराई से बताएगा। अभी तक जितना मैंने शब्दों में बताया वो अपर्याप्त है। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, ठीक है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो मैंने कहा कि पिता से प्रार्थना करेंगे, पुत्र का भी रोल है, यीशु मसीह का भी रोल है। वो क्या है कि हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, असल में हम उसके नाम में प्रार्थना करते हैं, अनुवाद कर दिया गया उसके नाम से, असल अनुवाद होना चाहिए उसके नाम में। इंग्लिश में पढ़िए, एट दैट डे यू शैल आस्क इन माय नेम। जब भी आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इन माय नेम, मेरे नाम में, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, पिता से प्रार्थना करते यीशु के नाम में मांगते। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूं। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। आज भी कई बार लोगों की समझ में पर्दा पड़ा है, वे लोग सोचते कि जब हम प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के पास हम भेज देते हैं और यीशु मसीह हमारे बिहाफ में पिता से विनती करता है कि पिता दे दीजिए ना, इन्हीं के लिए मैं मरा था, जैसे पिता को मालूम ना हो। पुत्र वैसा नहीं करता, यीशु मसीह ऐसा नहीं करता। वे कह रहे थे कि वह समय आता है जब तुम डायरेक्ट पिता से बात कर सकोगे, मेरे मीडिएटर बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं उस समय तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, तुम मुझसे कह देना मैं पिता से कह दूंगा, तुमको मिल जाएगा। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा नाम ही काफी होगा। हालेलुया, मेरा नाम ही काफी होगा कि तुम पिता से प्रार्थना कर सको, सीधे पिता से बात कर सकोगे, उससे ऊपर किससे सिफारिश लेनी, सीधे पिता से बात कर सको। सो यदि सीधे पिता से बात करनी है तो हम किसी और से बात क्यों करें। जब हमारी पहुंच वहां है तो किसी और से हम बात क्यों करें। तो हमको किसी स्वर्गदूत की भी जरूरत नहीं कि स्वर्गदूत जरा मेरी बात पिता तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि पिता से हम डायरेक्ट बात करें। हमको किसी संत की भी जरूरत नहीं कि जरा आप मेरी प्रार्थना पिता तक पहुंचा दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हम तो खुद पिता से बात कर सकते, यहां तक कि प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें यीशु मसीह की भी उस रूप में जरूरत नहीं कि वो हमारे लिए कुछ मांगे। हम सीधे पिता से प्रार्थना कर सकते हैं, पिता सीधे हमारी सुनेगा, क्योंकि हम यीशु के नाम में मांगेंगे। उसने कहा
जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वो होगा। तुम पिता से मांगोगे, और मैं ये नहीं कहता कि मैं पिता से विनती करूं, मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं। क्यों उसकी जरूरत नहीं है? क्योंकि मेरा काम ही ऐसा होने वाला है कि वही तुम्हारी सिफारिश है। हालेलुया, मेरा काम वही होने वाला है। मैं क्रूस पर मरने वाला हूं तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व को लेकर, मैं कब्र में जाने वाला हूं तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व को लेकर, और मैं वहां से बाहर आने वाला हूं तुम्हारे नए मनुष्यत्व को लेकर। और जब तुम उस पर विश्वास करते हो, तुमको वो पहुंच पिता के पास मिल जाएगी कि किसी और मीडिएटर की जरूरत नहीं। अब तक जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हें मेरी मीडिएटरशिप की जरूरत है, मेरी मध्यस्थता की जरूरत पड़ रही है कि तुम मुझे कहोगे, मैं पिता से कहूंगा और उसके द्वारा तुम्हें मिलेगा। लेकिन जब वो काम मेरा पूरा हो जाएगा, तुम मेरे नाम में मांगोगे और इतना ही काफी है। उसने अपने चेलों को इसके ऊपर सिखाया था, पद 23 से, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। इंग्लिश में लिखा है, व्हाटसोएवर यू शैल आस्क द फादर इन माई नेम, मेरे नाम में मांगोगे, ही विल गिव इट यू, वह तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम में कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। फिर से लिखा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे, Have you asked nothing in my name? Ask and ye shall receive, that your joy may be full. मेरे नाम में अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा। चेलों को उसने सिखाया नहीं था। जब वो उपदेश देते थे तो पूछा गया था, हम प्रार्थना कैसे करें? तो तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता, आ करते करते आमीन। लास्ट में तुम ये कहना कि यीशु के नाम में, उसने नहीं सिखाया। लेकिन अब उसके जाने का समय हो गया, अब उसके उस काम को पूरा करने का समय हो गया, और वो जानता था कि अभी इस बीच में चेले प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। गतसमनी में भी नहीं किए, जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए तो और भी नहीं किए, तब तो उनके तो होश ही उड़ गए थे, क्या प्रार्थना करें। लेकिन उसके बाद वे प्रार्थना करेंगे, और तब मेरा नाम काफी रहेगा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो कि पिता, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, हम यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, और पिता सीधे सुन लेगा। उसने मानो ऐसा कर दिया कि हमारे पास में स्टाम्प है यीशु मसीह के नाम का, और जिस लेटर में यीशु मसीह के नाम का स्टाम्प रहता है वो ग्रांटेड हो जाता है। हालेलुया। और उसने कहा, ये नाम हम में से हर एक जन इस्तेमाल कर सकते हैं जो यीशु के लोग हैं। हम लोगों के पास वो स्टाम्प है, हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं एप्लीकेशन है, समझिए, और लास्ट में यीशु मसीह के नाम का स्टाम्प हम अपने हाथों से लगा देते हैं। यीशु मसीह ने हम पर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया कि उसने कहा कि तुम मेरे नाम का मिसयूज नहीं करोगे, तुम मेरे नाम से कुछ भी गलत नई चीज मांगोगे, तुम मेरे नाम से कभी भी कुछ गलत नहीं करोगे, मैं अपना नाम तुम्हें देता हूं, और तुम्हारी जो भी सिफारिश की पत्री होगी तुम लिख लेना और उसके नीचे मेरा स्टाम्प लगा लेना, तुम में से हर एक जन को दिया जाता है। तुम मेरे नाम में मांगोगे, और जब वो पत्र यीशु मसीह पिता के पास पहुंचेगा, पिता तुम्हें देगा, पिता तुम्हारी सुनवाई करेगा। पिता की इच्छा ये थी कि हम यीशु के नाम में मांगे। यीशु के नाम में मांगने का अर्थ है कि हम यीशु के जगह में होकर मांगते हैं। पुराने जमाने में जो उस क्षेत्र में संस्कृति थी, उसके मुताबिक जब कहा जाता था इन द नेम ऑफ जीसस या इन द नेम ऑफ गॉड, उसका अर्थ होता था हम उसके अधिकार से आते हैं, मानो हम उसके लिए नियुक्त किए हुए हैं। उस समय लोग कहते इन द नेम ऑफ सीजर, कैसर के नाम में, कैसर के नाम में हम तुम्हें रोकते हैं, यहां से उसका एरिया शुरू होता है, वो प्रचलन था। यहूदी लोग कहते थे हम परमेश्वर के नाम में तुमको ये कहते हैं कि जो सब्बत के दिन खाट उठाएगा वो दोषी ठहरा है। यीशु मसीह कहने लगे मेरे नाम में, मैंने वो अधिकार तुम्हें दे दिया है, ये अधिकार अब तुम्हारे हाथ में। तो जब हम यीशु के नाम में मांगते हैं तो हम सिफारिश नहीं करवा रहे यीशु मसीह से, हम यीशु मसीह के स्थान पर खड़े होकर मांग रहे हैं। और यीशु मसीह की प्रार्थना को कभी भी पिता ने दरकिनार नहीं किया। उसने जो भी प्रार्थना की उसको उत्तर मिला। उसने खुद ही अंगीकार किया था यूहन्ना के सुसमाचार और उसके अध्याय 11
और उसके पद 41, वहां वो लाजर को जिलाने के लिए गए हुए थे और यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, तू सदा मेरी सुनता है, यीशु मसीह का कहना। और जब हम यीशु के नाम में मांगते हैं तो मानो हम यीशु के स्थान पर खड़े होकर मांगते हैं, तो हमारे लिए कोई संदेह की बात ही नहीं कि मेरी प्रार्थना उस तक पहुंचेगी कि नहीं, पिता सुनेगा कि नहीं। जब हम यीशु के नाम में मांगते इसका मतलब वो सुनता है, क्योंकि वो यीशु की प्रार्थना हमेशा सुनता है। यीशु मसीह कहते हैं, तू मेरी प्रार्थना सुनता। वो पहले ही लाजर के लिए प्रार्थना करके आया था, लेकिन वो कहने लगा इससे कि लोग जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, मैं इनके सामने खड़े होकर फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं, ताकि ये लोग जाने कि उस पिता के द्वारा हुआ, मैं उस पिता के द्वारा भेजा गया। तूने मेरी नहीं सुनी ऐसी बात नहीं है, मुझे दोबारा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि पिता लाजर को जिला, मैं प्रार्थना करके आया हूं, मुझे मालूम है कि तूने सुन ली। और मैं ये जो प्रार्थना कर रहा हूं वो इन लोगों के कारण कर रहा हूं, ताकि इनको भी मालूम हो। कई बार लोग प्रार्थना निवेदन लेकर आते हैं लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, कहते हैं कि मेरा एक भाई है जो हॉस्पिटल में बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो मुझे बड़ा घुमावदार लगता है, मैं पहले पूछता हूं कि क्या आप हॉस्पिटल में हैं, मीन्स अपने भाई के पास। अगर आप हैं तो कम से कम उसको फोन दे दीजिए, हम उसके साथ प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की कि वहां पर जो लोग उपस्थित थे वे लोग भी जाने कि उस प्रार्थना का उत्तर है। तो आपका भाई भी जाने कि आपके लिए प्रार्थना की गई है और उसका छुटकारा हुआ। नहीं तो आपका भाई क्या सोचेगा, आप तो इधर से प्रार्थना करा लिए, आपका भाई क्या सोचेगा ठीक हो गया तो, डॉक्टर लोग ठीक दवा किए थे, अगली बार कोई बीमार होंगे तो फलाना हॉस्पिटल में जाना, यही सिफारिश करें। लेकिन जब उसको मालूम हो कि उसके लिए प्रार्थना की गई थी, प्रार्थना में मैं भी शामिल था, तब उसको भरोसा होगा कि कुछ बात होती है तो प्रार्थना कर सकते हैं। तो उसी मकसद से यीशु मसीह ने उस समय भीड़ के सामने प्रार्थना की और उसकी सुनी गई थी। हमारी प्रार्थना भी सुनी जाती है, एक ही बार जब हम प्रार्थना करते सुनी जाती है, क्योंकि यीशु मसीह एक ही बार प्रार्थना करते थे, उसकी प्रार्थना सुनी जाती थी। यदि कुछ निवेदन होता था उसकी निवेदन को मान लिया जाता था। सो हम पिता से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, ये दो बातें पक्की हैं। और इतना इतना मान समझ लीजिए, जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी सुनवाई परमेश्वर के पास नहीं हुई, उसने सुना। तीसरी बात, अब पवित्र आत्मा का इसमें क्या रोल है? पवित्र आत्मा का रोल है, हम लोग यहूदा की पत्री निकालेंगे और उसका 20वां पद, उसमें एक ही अध्याय है और उसका पद 20। यहूदा की पत्री पहला अध्याय और उसके पद 20, और यहां पर लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। उसने कहा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। उसी प्रकार रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26वें पद में लिखा है कि जब हम निर्बल हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता प्रार्थना किस रीति से करें, पवित्र आत्मा हमारे लिए आफी आहे भर भर कर प्रार्थना करता है। सो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करता है। तो जब हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेनी चाहिए। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो हमारी सहायता के लिए हमारे साथ में है, वो खुद में मजबूत है, स्ट्रांग है, और वो हमारे साथ में मौजूद है कि हमारी मदद करे, ताकि जब हम प्रार्थना करें, ताकि जब हम कुछ भी करें हम उसकी सहायता ले तो सब कुछ अच्छे ढंग से हो सके। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में मैंने आपको अभी तक सिखाया नहीं, आपने पहले से कुछ सीखा होगा। जब हम लोग प्रार्थना का चैप्टर क्लोज करेंगे उसके बाद हम लोग पवित्र आत्मा पर शिक्षा आरंभ करेंगे।
और तब हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा एक दूसरे तरीके से भी प्रार्थना करने में मदद करता है। वो अपनी भाषा देता है जिसके द्वारा हम प्रार्थना कर सकते। हम उसको तब देखेंगे जब वहां पहुंचेंगे। लेकिन सिर्फ उस भाषा में प्रार्थना करने की बात नहीं है, पवित्र आत्मा हमें हमारी भाषा में प्रार्थना करने में भी मदद करता है। वो चीजों की समझ प्राप्त करने में मदद करता है कि हम प्रार्थना करें तो किस विषय पर प्रार्थना करें। यदि हमारा निवेदन है तो हम क्या मांगे, यदि हमारा धन्यवाद है तो हम किस रीति से धन्यवाद दें, किन बातों को हम स्मरण करें, स्तुति करें, हमारी मदद करता है। कई बार होता यह है कि हम लोगों को समस्या तो पता रहती है, ये समस्या ये है, लेकिन हम लोगों को छुटकारा नहीं मालूम रहता है कि छुटकारा क्या है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं, समस्या का डिटेल परमेश्वर को बताते हैं। जितना भी डिटेल आप बताइए उससे ज्यादा परमेश्वर को मालूम। सवाल यह है कि आप क्या चाहते हैं। अब प्रार्थना का डिटेल इतना लंबा हो जाता है, सोचते हम पहाड़ में दबे हुए, प्रार्थना करने के बाद भी पहाड़ के नीचे दबे, क्योंकि हमने समाधान तो सोचा ही नहीं कि समाधान क्या है, और हमने मांगा ही नहीं कि समाधान क्या है। तो समस्या जो कृतियों बनी रहती है। परमेश्वर ने सुन लिया आपकी प्रार्थना, उसने सुन लिया आपकी समस्या, लेकिन आपने उसका छुटकारा बताया नहीं कि उसके रूप में आपको क्या चाहिए। लोगों के सामने गोलियत खड़ा हो जाता है, उसका डिटेल बताते हैं, जो झिलम उसने पहनी है वो 57 किलोग्राम का है, 57 kg, उसके सिर पर टोप है, उसके सामने एक जन बड़ी ढाल लिए हुए चलता है, उसका भाला इतना लंबा है कि मानो जुलाई की डोंगी, उसके भाले के आगे जो नोक है वो खुद 7 किलोग्राम का है, उसको हराना असंभव है। हे परमेश्वर तू दया कर। लेकिन समाधान नहीं देखते कि हमको क्या चाहिए, हमको समाधान देखना चाहिए कि वहां पर यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या है। पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है, वो युक्ति का आत्मा है, वो समझ का आत्मा है, वो हमको बताता है उस स्थिति में कि इस परिस्थिति का समाधान क्या है। और हम उस समाधान को पिता के सामने मांगते हैं, हम कहते हैं कि हमारी ये समस्या है और हमको ये समाधान चाहिए। और जब हम उस समाधान को मांग लेते हैं, वो प्रार्थना सुनी जाती है, चुटकियों में हमारी समस्या सुलझ जाती है, हम पहाड़ के नीचे बोझ के नीचे दबे नहीं रहते। कई बार लोग बहुत समय तक प्रार्थना करते रहते, उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, उनको लगता है। कारण यह है कि वे सिर्फ समस्या बताते रहते, समाधान के विषय में उन्होंने खुद सोचा ही नहीं। शायद हम अपने आप से ना सोच पाए, शायद हमारी बुद्धि उतनी बड़ी ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा को पूछ कर तो देखिए, आप उससे कह के तो देखिए कि प्रभु इसका समाधान क्या है, मुझे बताइए। और पवित्र आत्मा उसका समाधान हमारे मन में लेकर आएगा, और हम कहेंगे कि प्रभु हमारी समस्या ये है, परंतु ये समाधान हमें चाहिए। और जो हम यीशु के नाम में मांगते हैं, हम यीशु के समान मांगते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। तो तीन बातें हैं, हम पिता से मांगते हैं, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, और हम पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करते हैं। सो तीनों का रोल अपने जगह पर है। सो परमेश्वर ने ऐसा अरेंज किया कि जब हम प्रार्थना करें तो वो खुद संपूर्ण व्यक्तित्व समेत हमसे इन्वॉल्व रहे। पिता भी हमसे इन्वॉल्व रहे, पुत्र भी हमसे इन्वॉल्व रहे, और पवित्र आत्मा भी हमसे इन्वॉल्व रहे। तब हमारे पक्ष में बनता है कि हमारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व है हम उसके साथ परमेश्वर के साथ इन्वॉल्व रहे। हमारा जो शरीर है उस शरीर के साथ हम इन्वॉल्व रहे, हमारा जो प्राण है उस प्राण के साथ हम इन्वॉल्व रहे, हमारी जो आत्मा है उसके साथ में इन्वॉल्व रहे। क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना को इतना सीरियसली लिया कि उसने नहीं कहा कि ठीक है पिता कह देता, ठीक है तुम लोग अपना काम करते रहना, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह हम प्रार्थना वाला डिपार्टमेंट देख लेते हैं, वो मेरा डिपार्टमेंट पड़ता है, तुम लोगों का उसमें कोई काम नहीं। लेकिन उसने ऐसा किया कि पिता भी इन्वॉल्व है, पुत्र भी इन्वॉल्व है, पवित्र आत्मा भी इन्वॉल्व है, पूरी रीति से इन्वॉल्व है हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। लेकिन कई बार हम इन्वॉल्व नहीं रहते पूरी रीति से, हम लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और इसीलिए यहां से आगे हम सीखेंगे कि हमारी शारीरिक स्थिति क्या होनी चाहिए प्रार्थना के लिए, हमारी मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, हमारी आत्मिक स्थिति क्या होनी चाहिए, ताकि हम भी संपूर्ण व्यक्तित्व से प्रार्थना कर सके। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शारीरिक स्थिति से।
जहां तक शारीरिक स्थिति की बात है, परमेश्वर ने हमारे लिए कोई कानून नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं दी कि कौन सी रीति पर हम प्रार्थना करें। अर्थात जब आप प्रार्थना करें तो आपके शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसने कोई कंपल्सन नहीं दिया कि ऐसी ही होनी चाहिए तब मैं सुनूंगा। पहले तुम खाली पैर आओगे, फिर तुम घुटने टेकोगे और तब तुम हाथ फैलाओगे, तब मैं सुनूंगा, ऐसा कुछ। क्योंकि उसने हमें व्यवस्था में नहीं बांधा, उसने हमें आत्मा की रीति पर बुलाया है, इसलिए हम फ्री, हम कैसे भी प्रार्थना कर सकते। लेकिन इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि जब प्रार्थना की बात है तो यह आत्मा की बात है, और जब आत्मा की बात है तो शरीर को उसके सामने झुकना चाहिए, शरीर को काबू में आना चाहिए, आत्मा की अधीनता में आना चाहिए। तो आत्मा की अधीनता में लाने के लिए हमारा सबसे अच्छा पोजीशन जो हो सकता है वह ये है कि हम अपने शरीर को इस्तेमाल करके हम उसको घुटने टेकने में इस्तेमाल करें। मैं नहीं बता रहा हूं कि यह जरूरी है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यह सर्वोत्तम तरीका है। हम कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लेटे लेटे भी प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर सुनेगा, कोई रुकावट नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम संपूर्ण व्यक्तित्व से प्रार्थना करें, हम शरीर के साथ प्रार्थना करें, हम आत्मा, हम प्राण सबके साथ इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमसे ऐसे इन्वॉल्व है। तो हम चाहते हैं हमारा शरीर इन्वॉल्व हो जाए। अब शरीर का तो कुछ काम नहीं, शरीर तो घुटने टेक, अब मैं आत्मा टू आत्मा बात करने जा रहा हूं, तुम्हारा और कोई काम नहीं है। और इसलिए हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि आंखें खुली रखें और संसार की चीजों को देखते हुए प्रभावित हो जाए और हमारा जो प्राण, हमारा जो मन है वो डिस्टर्ब हो जाए, हम अपने मन से भी इन्वॉल्व ना हो पाए, इसलिए हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कोई स्थिति बताई नहीं गई कि ऐसे प्रार्थना करो, स्थिति बताई जा सकती थी, जबकि पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत सारे विधियों को दिया था उन लोगों को, उसने बताया था जब तुम बलिदान करो तो कैसे करना, तब याजक आएगा, मेमने पर हाथ रखेगा, दाहिने हाथ को रखेगा, फिर बलि करेंगे, उसके लहू को छिड़कना है, कितनी बार, गिनती तक बता दे, सारी विधियां बता दे। जब तुम वस्त्र धारण करो याजक, तो किस प्रकार के वस्त्र होने चाहिए वगैरह वगैरह, पूरा डिटेल। लेकिन जब यहां पर प्रार्थना करने की बात आई तो कहीं पर कुछ नहीं बताया गया कि प्रार्थना कैसे करें, शारीरिक स्थिति क्या होनी चाहिए, कभी नहीं बताया। क्योंकि कोई शारीरिक स्थिति उसने बांध कर नहीं रखा कि तुम ऐसे ही करो, मान लिया कि वो कह देता कि तुम प्रार्थना से घुटने टेक करीब कर, तो बहुत सारे मरते हुए लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग जो बिस्तर में पड़े हुए मरीज की हालत में वे प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो घुटने टेकना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग जो सड़कों पर जा रहे हैं वो जाते हुए प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो घुटने टेकना जरूरी होता। किसी दूसरी अवस्था में भागते हुए अगर कोई पीछा कर भी रहा है तो प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो घुटने टेकना जरूरी है, और जब घुटने टेकेंगे तो मर जाएंगे, पीछे लोग पकड़ लेंगे। परमेश्वर सब स्थितियों को जानते थे और वो चाहते थे कि कोई एक्सक्यूज ना हो कि हमारी स्थिति ऐसी थी इसलिए हम प्रार्थना ना कर पाए। आप कैसे भी स्थिति में रहे लेकिन प्रार्थना कर सके, इसलिए उसने कोई स्थिति नहीं बांधी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उस स्वतंत्रता का हम बेजा फायदा उठा लें। ओह, लेटे लेटे भी बनता है, हम लेटे लेटे ही करते हैं और दर्शन तो नहीं देखते, हाँ स्वप्न देखना शुरू जरूर कर लेते। नहीं, हम लोग अपने शरीर को घुटने टेक कर परमेश्वर के समीप लाते हैं। यहां तक कि खुद यीशु मसीह के विषय में बताया गया है वचन में कि जब वो गतसमनी के बाग में गया, सोचिए उसको क्या जरूरत थी उस रीति से प्रार्थना करने के लिए। वहां लिखता है कि वो मुंह के बल भूमि पर गिरा, और भी बेहतर, और भी अधिक शरीर को हम झुकाना चाहते, मुंह के बल वो भूमि पर गिरा प्रार्थना करने लगा। उसके विषय में लिखा है उसने घुटने टेके और प्रार्थना करने लगा। पौलुस ने अपने एफिसियों की पत्री में लिखा, तीसरा अध्याय पद 14 में, मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूं, मैं घुटने टेकता हूं, क्योंकि हम आत्मा से आत्मा में संपर्क करना चाहते हैं, हम अपने शरीर को शून्य में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो प्रार्थना का समय है वो एक ऐसा समय हो जाए जब हम आत्मा में रहना सीख जाए, जब हम शरीर पर हावी होना सीख जाए, हम घुटने टेक लेते हैं।
यदि आपके लिए संभव होता है तो आप जरूर घुट कर टेकें। जब संभव नहीं होता है तब हम दूसरे तरीकों को आजमाएंगे, लेकिन जो घुटने टेकना हुआ वो आपके शरीर को काबू में रखने का भी तरीका है, उसको परमेश्वर के सामने झुकाने का भी तरीका है। और परमेश्वर के सामने हम इस रीति से ये व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु ये शरीर आपकी महिमा के लिए मैं समर्पित कर रहा हूं, ये शरीर आपकी महिमा के लिए मैं टेक रहा हूं। जिंदगी में मैं बहुत काम इस शरीर से करता हूं, इस धरती पर आपका काम भी मैं इसी शरीर से करूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि शैतान इस शरीर को फंदा बना ले, ऐसा ना हो कि शैतान इस शरीर को इस्तेमाल कर ले। ये शरीर आपके लिए, हम इसलिए घुटने टेकते हैं। और ये हमारी शारीरिक स्थिति है, शारीरिक मुद्रा। दूसरी बात, हमारी आत्मिक मुद्रा कैसी होनी चाहिए, आत्मिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। जो आत्मा हमारे भीतर, जो नया मनुष्यत्व दिया गया, नए जन्म के समय हमने यीशु मसीह का सा स्वभाव पाया, हम नई सृष्टि बन गए, उसको कैसा होना चाहिए या उसको कैसा बनाए। उसका जवाब यह है कि उसको कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है। उसने ऐसा कहा था मत्ती उसके अध्याय 26 और उसके पद 41, मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 पद 41, गतसमनी में प्रार्थना करते हुए जब उसके चेले सो रहे थे तब उसने उनसे कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। हमारी आत्मा को हमें अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी तैयार है। हालेलुया। और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयार है, क्योंकि हम लोगों ने रोम इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 उसके पद 10 में पढ़ा, उसने हमें पवित्र कर दिया। हमने रोमियों की पत्री में पढ़ा, उसने हमें धर्मी ठहरा दिया। इब्रानी 10 के 14 में पढ़ा, उसने हमें सिद्ध कर दिया आत्मा में। उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? तो हमारी जो आत्मा ऑलरेडी तैयार है, हम अपने शरीर में रहते इसीलिए हम तैयार नहीं रहते, अपने शरीर में रहते शरीर के अनुसार चलते इसीलिए प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आत्मा को हमेशा मन करता कि हम प्रार्थना करें और आत्मा को दबा देते हैं। आत्मा को अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें शरीर से आत्मा में आने की जरूरत है। जब हम शरीर से आत्मा में आएंगे तो ऑलरेडी पता चलेगा कि हम भी तैयार हो गए, लेकिन जब हम शरीर में रहते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, तो प्रार्थना करना बहुत भारी लगता है। शुरू में जब मैं सीख रहा था प्रार्थना करना, जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, शब्दों की बात नहीं है, तो मुझे बहुत भारी लगा। कितनी देर आप शांत बैठे रहो, आपका मन परमेश्वर पर लगा रहे, मन तो भटक जाता है। उससे तो अच्छा प्रचार करना आसान है, उपवास करना तो और भी आसान। एक बेला मत खाओ, लेकिन उपवास करना जितना आसान है, प्रार्थना करना उतना कठिन मालूम पड़ा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि किस रीति से शरीर से आत्मा में मैं रहूं। शरीर में रहेंगे और उपवास करेंगे तो शरीर को भूख लग रही है, उसको मार देना है, नहीं खाना है। पहली बार उपवास करने की बात होगी तब लगेगा कैसे करेंगे, जब एक बार कर लिया तो हमेशा का उपवास हो सकता है, लेकिन प्रार्थना करना वैसा नहीं था। लेकिन जब आप सीख जाएंगे इसी रीति से प्रार्थना करते हुए, आने वाले सप्ताह में आपको बताऊंगा किस रीति से प्रार्थना करें, तो आप समझ जाएंगे आत्मा में आना कितना आसान है। और जब आप वहां पर पहुंच जाएंगे तो आप पाएंगे कि यह आत्मा तो तैयार है, अब मुझे एक्स्ट्रा और कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं। उसके फ्लो में चलते रहो, प्रार्थना करते रहो, कब समय बीतता जाता है कुछ पता ही नहीं। फिर जब आप आंख खोलते और घड़ी देखते तो पता चला कितने घंटे बीत गए, क्योंकि आत्मा तो तैयार है। अब प्रार्थना करना हमारी जरूरत है, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, उसको क्या जरूरत थी, लेकिन उसने प्रार्थना की और ये हमारे लिए उदाहरण है, हमें प्रार्थना करना चाहिए। और जो भी बातें हमने इतने दिनों तक सीखी है पिछले समय तक, वो सारी बातें अनुभव में लाने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि जब हम आत्मा में समय बिताना शुरू करेंगे तो वो बातें हम पर हावी होने लगेंगी, वो बातें हमसे बहने लगेंगी, वो जीवन के जल का सोता जो हमारे भीतर है
यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा था, जो जल मैं उसे दूंगा वो उसके भीतर एक सोता बन जाएगा और अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। 14वां पद यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4, जो जल मैं उसे दूंगा वो उसके भीतर एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। वो सोता हमारे भीतर है, उमड़ता रहता है अनंत काल के लिए। वो कभी सूखता नहीं, कभी घटता नहीं, वो हमेशा उमड़ता रहता है। और हम जब प्रार्थना करते हैं हम उस सोते से जुड़ जाते हैं। उसने कहा था यशया की पुस्तक अध्याय 12:3, भविष्यवाणी की गई थी जब मसीह आएगा तो क्या होगा, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। हम आनंद पूर्वक उस सोते से जल भर सकते हैं। हमारी सारी जरूरत की बातें वहीं पर है, हमारी सारी जरूरत की बातें हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन जल भरने का काम है। जल भरने के लिए हमको वहां तक जाना पड़ेगा, उस कुएं तक, उस सोते तक पहुंचना होगा जो हमारे भीतर है, आत्मा में आना ही पड़ेगा और तब हम जल भर सकते हैं। इसलिए अपनी आदत में इस बात को शामिल कर लीजिए, अपने लिए समय निकाल लीजिए। दिन भर में हम बहुत समय जाया कर देते हैं यूं ही, किसी से बात करते हुए, कुछ करते हुए, टीवी देखते हुए, बहुत सारे कामों को करते हुए, और जिसका नतीजा क्या हुआ कि हम लोग इस संसार में रहते हुए असरदार नहीं हुए। हमारे विषय में नहीं कहा गया कि अरे वो लोग तो 1200 लोग हैं, देखो उन्होंने धरती को उलट पुलट कर दिया, क्योंकि हमने प्रार्थना करना नहीं सीखा ढंग से, हमने आत्मा में आना सीखा नहीं। शरीर के बल पर कलीसियाएं चलने लगी और शरीर के अनुसार बदलाव लाने की कोशिश करने लगी, उससे क्या बदलाव आएगा? जब तक हम आत्मा से कोशिश ना करें बदलाव नहीं आएगी। और जब मैं यहां पर परमेश्वर की शिक्षा देने के लिए आता हूं, उसके वचन सिखाने के लिए, मैं एक लक्ष्य के साथ में आता हूं, मैं एक उद्देश्य लेकर आता हूं, और वो उद्देश्य बाइबल में प्रकट है। हम ऐसी पीढ़ी चाहते हैं जो अब तक नहीं देखी गई, हम ऐसी पीढ़ी देखना चाहते हैं जो सामर्थ्य है, जो अद्भुत है, जो आत्मा में है और जो धरती को उलट पुलट करती है। हालेलुया। बाइबल में वो मेरा फेवरेट पद है, देखो इन लोगों ने धरती को उलट पुलट कर दिया, यहां भी आ गए। हम इसको सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते, हम इसको अनुभव करना चाहते हैं, और सिर्फ अकेले नहीं, हम पूरी पीढ़ी के साथ इसको अनुभव करना चाहते हैं। और जब आप इस वचन को सीख रहे हैं तो आप ऐसा सीख जाइए कि धरती या दुनिया आपके वजह से उलट पुलट होने लगे, आपके अगल बगल आपके वजह से उलट पुलट होने लगे, हर एक ईंट उठाकर फिर से रखी जाए, ताकि सब कुछ फिर से अरेंज किया जाए, जो गड़बड़ है वो गिरा दिया जाए, फिर से नया कंस्ट्रक्शन हो जाए। परमेश्वर की जैसी मर्जी थी जो पूरी नहीं हुई अब तक, वो अब पूरी होने पाए। बहुत पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन हम इसे जाया होने नहीं देंगे, और आप भी इसे जाया होने मत दीजिएगा। हालेलुया। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, आत्मा में प्रार्थना करना। तीसरी बात, हमने देखा शरीर में हम कैसी स्थिति में रह सकते हैं, और आत्मा की बात तो अलग है, अब जो प्राण है या मन की बात है, वहां हमें कैसी स्थिति होनी चाहिए। तो कुछ बातें हैं जिसको आप जानते हैं लेकिन फॉर्मली बताना, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। और वो ये है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम विश्वास से करें, हमारे प्राणों की स्थिति ये होनी चाहिए, क्योंकि हम पूरे प्राण आत्मा समेत इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो हमारे प्राण में अविश्वास नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसमें विश्वास रहना चाहिए। यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 और उसके पद 24, वहां उसने उनसे कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो। हम लोग उस पद को एक साथ जरा पढ़कर देखें, मरकुस 11 और उसके अध्याय 24, आइए हम एक साथ पढ़ें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, अर्थात विश्वास करने के लिए उसने कहा। हमारे प्राणों की स्थिति होनी चाहिए कि हम विश्वास के साथ में मांगते। कई बार तो हमारी प्रार्थनाएं कब होती है, जब हम घबराहट के समय में है, ऑलरेडी घबराहट के समय में तब हम मांग रहे हैं। और जब आप ऑलरेडी घबराए हुए हैं तो जाहिर है कि आप विश्वास से नहीं मांगेंगे। इसलिए हमारी स्थिति यह होनी चाहिए कि हर परिस्थिति में हम अचल बने रहें। कोई परिस्थिति हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाला ना होने पाए, कोई संसार के लोग ये निर्धारित करने वाले ना होने पाए कि हम क्या करेंगे,
यह हमको खुद निर्धारित करने योग्य होना चाहिए। कोई परिस्थिति हमारे आनंद को निर्धारित करने वाली ना होने पाए, कोई परिस्थिति हमारे शांति को निर्धारित करने वाली ना होने पाए, क्योंकि हम तो अंदर परमेश्वर से जुड़े हैं और वहीं से हमारा आनंद निर्धारित होता है, वहीं से हमारी शांति निर्धारित होती है। और चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, कितनी भी आंधी क्यों ना चल रही हो, हमारी शांति बनी रहे, हमारा आनंद बना रहे। मैं कई बातों को बता रहा हूं, अब मैं आपको इतना कह देना चाहता हूं कि मैं किसी भी दिन जब यहां पर खड़ा होता हूं, कभी भी कंप्लीट मैसेज नहीं देता हूं। आप ये मत सोचिए कि आप बड़े अभागी की बात, दुर्भाग्य की बात। कभी भी मैं कंप्लीट मैसेज नहीं देता, लेकिन मैं बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा करके देता हूं, ताकि आप जब सारे मैसेज एक साथ सुन ले, एक के बाद एक सुन ले, तब कंप्लीट मैसेज प्राप्त करें। क्योंकि बाइबल ही ऐसी है, वो किसी पुस्तक में कंप्लीट मैसेज नहीं देती। सिर्फ उत्पत्ति पढ़ लिए तो नहीं चलेगा, कंप्लीट मैसेज के लिए शुरू से अंत तक जाना ही पड़ेगा। और जब मैं बाइबल सिखा रहा हूं तो मुझे भी वो ऐसे ही चलना पड़ता है। और यहां पर मैं बात कर रहा था कि किसी भी परिस्थिति में हमें स्थिर बने रहना चाहिए, तब ना हम विश्वास करेंगे। पहले ही घबराए हुए तो हम कहां से विश्वास की प्रार्थना करेंगे? तो हमको घबराए हुए अवस्था में नहीं रहना चाहिए। तो उस अवस्था में रहने के लिए, स्थिर बने रहने के लिए, हमको हमेशा आत्मा में मेंटेन करने की जरूरत है। आत्मा में मेंटेन करने के लिए मैं आने वाले सप्ताह आपको बताऊं, इसलिए मैंने कहा कि कंप्लीट मैसेज आज नहीं होगा। आप कहेंगे कि हमको प्रार्थना ही कैसे करना चाहिए, अब उसके लिए आत्मा में आना चाहिए, उसको तो मुझे आता ही नहीं है आने वाले सप्ताह। लेकिन जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे करने लगेंगे, अगले सप्ताह जो हम प्रार्थना करने का तरीका सीखेंगे उसमें, जब आप उसको प्रतिदिन नियमित रूप से करने लगेंगे, आप पाएंगे कि आप आत्मा में हैं ऑलरेडी। दिन भर आपको किसी बात से परेशानी नहीं होती। मान लिया कि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ हादसा दिखाई पड़ा, आप परेशान नहीं होंगे, आप स्थिर बने रहेंगे, आपकी शांति नहीं भागेगी, आपका आनंद नहीं जाता रहेगा। जो कुछ आप चाहते थे उसके मुताबिक नहीं हो पाया, आप घबराएंगे नहीं, आप झल्लाएंगे नहीं, आप झुंझलाएंगे नहीं, आप स्थिर बने रहेंगे। और ऐसी अवस्था में ही आप विश्वास की प्रार्थना कर सकते हैं। आप पहले ही शरीर में आ गए, पहले ही झुंझला गए, पहले ही घबरा गए, तो क्या विश्वास की प्रार्थना होगी? इसलिए वहां तक आना जरूरी है। तो मैं कुछ आपको तरीका बताऊंगा। हम लोगों को तरीका फॉलो करना बहुत आसान लगता है, जब मैं कहूं अपने आप से कर लो तो कठिन हो जाता है। कोई तो सिस्टमेटिक तरीका बताओ तो हम करें, तो ठीक है बताया जाएगा, तो हम सिस्टमेटिक तरीका आने वाले सप्ताह बताएं। अभी जो कुछ मैं बता रहा हूं वो सब सिस्टम को हटा रहा हूं। आप कैसे भी कर सकते हैं, फ्री है, किधर से भी आप आ सकते। मैंने बताया प्रार्थना में कौन से तत्व आने चाहिए, नहीं बताया कि कौन सा पहले कौन सा बाद आना चाहिए। आप किधर से भी ला सकते हैं, कोई भी आ सकता है, लेकिन कोई सिस्टम अगर हो तो शायद आपको आसानी हो। आपको बता दिया जाए कि आपको चढ़ना है इस बिल्डिंग की छत पर, आप चढ़ जाइए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां पर सीढ़ी है, उधर से आप चढ़ सकते हैं, तो एक सिस्टम हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब किसी को नहीं बताया गया, अपना अपना दिमाग लगाने लगे, किसने रस्सी फेंका ऊपर फंसाया और उसमें चढ़ने लगे, चढ़ते चढ़ते गिर पड़े। और किसी को यह भी बता दिया जाए कि नहीं, लिफ्ट है उस तरफ, उसको तुम इस्तेमाल करोगे तो यूं ही बिना एनर्जी खर्च के ऊपर पहुंच जाओ। सो कोई सिस्टम हो तो फॉलो करना आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग आने वाले हम। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिस्टम, परमेश्वर चाहता है कि हम सिस्टम फॉलो करें, बिना सिस्टम के आप आ सकते। तो बातें वहां तक रहने दी जाए, लेकिन विश्वास चाहिए। सो आत्मा में बने रहना जरूरी। दूसरा, वचन का ज्ञान होना भी जरूरी है ताकि आप विश्वास करें। यदि आपको ही नहीं मालूम होगा कि वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या सिखाता है, तो क्या विश्वास करें? जब उद्धार पाने की बात थी तब कहा गया रोमी 10:17 में, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब उसके वचन को सुना जाता है तो विश्वास भी साथ में अंदर चला आता है, उसका विश्वास हमारे भीतर भरता है। तो जब हम वचन से अनजान रहेंगे तो हमारा विश्वास काम नहीं करेगा, शायद एक या दो बार काम कर जाए,
लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर सकता है। वो आज कर सकता कर सकता है, कल कर सकता है, परसों नहीं करेगा, फिर नहीं करेगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। मैं तो सोचता था कि यही विश्वास है और ऐसे ही पिछली बार किया था तो हुआ था, इस बार नहीं हुआ। परेशानी क्या है, समाधान क्या है, पता ही नहीं चल रहा। और उसके बाद ये आ जाएगा कि पिछली बार किए थे तो हुआ था, अब किए तो नहीं हुआ, पता नहीं कैसे में होता है। अब करेंगे तो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि दोनों ही हो चुके हैं। तो जो वचन नहीं जानते हैं तो इसी स्थिति में पहुंचेंगे एक दिन कि होगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन जब हम वचन जानते हैं तो हमको संदेह करने की कोई वजह नहीं है। हम जानते हैं कि जो कुछ हम पिता से मांगेंगे, यीशु के नाम में मांगेंगे, वो हमारी सुनता है। लेकिन जब आप नहीं जानते हैं, आप यीशु के नाम में भी मांग लेते तो संदेह रहता है। आप वचन जानते हैं तो आप समझते हैं। तो दो बातें, आत्मा में रहना जरूरी है, दूसरा वचन। यदि आप आत्मा में नहीं रह पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति आती है, आप वचन में जाइए। जो कुछ आपने सीखा है उसको स्मरण कीजिए, फिर से जाकर उसको सुनिए, फिर से जाकर उसको पलटिए, अपने विश्वास को रिन्यू करते रहिए। क्योंकि हमें प्रार्थना करना जरूरी है और विश्वास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है। और जब हम विश्वास करते हैं, मान लिया कि हम किसी चीज को मांग रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि हम उस चीज को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम उस बात को पूरा होते हुए अपने भीतर में देखें। यीशु मसीह ने कहा तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो मान लिया कि हम होते हुए देखना चाहते, हम एक परिणाम आते हुए देखना चाहते, तो कौन सा परिणाम है वो? वो पहले आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए, वो पहले आपकी कल्पना में आ जाना चाहिए, पहले आपके विचारों में आ जाना चाहिए। मान लिया कि कोई बीमारी है जहां से छुटकारे की बात है, तो आपकी कल्पना में आ जाना चाहिए कि जब वो छुटकारा हो जाएगा तो कौन सी अवस्था प्राप्त होगी। तो आपको पहले विश्वास हो जाना, पहले सोच लेना चाहिए ये अवस्था प्राप्त। अभी बिस्तर पड़ा है, लेकिन जब प्रार्थना सुन ली जाती, कर ली जाती है, तो बिस्तर से खड़ा। पहले बिस्तर में पड़ा, अब बिस्तर से खड़ा। तो पहले वो हमारे भीतर आ जाना चाहिए कि ये होने वाला है। या हम कुछ परीक्षा दे रहे हैं, उसका परिणाम हम इंतजार कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना करने से पहले कल्पना कर लेनी चाहिए या उस स्थान पर पहुंच जाना चाहिए कि ये परिणाम होगा, और फिर विश्वास करें। प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल, तो क्या मिलने वाला है वो तो समझ लेना जरूरी है। जब आंधी आ गई तो वहां शांत होना चाहिए, तो इसके पहले के शांत करने की कोशिश करें, प्रतीति कर लो कि शांत हो गया। तो प्रतीति करो तो आपके आंखों के सामने हो जाना चाहिए, आपके अंदर आ जाना चाहिए कि समंदर जब शांत हो जाएगा तो कैसे दिखाई देगा, और तब वैसा ही मांग लो या वैसा ही कर लो। ये विश्वास का एक पहलू है। विश्वास का एक दूसरा पहलू भी ये है कि जब हम विश्वास करते हैं कई बार और किसी विषय में प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कुछ काम करने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, हमने पहले भी सीखा है, कर्म बिना विश्वास करते हैं। तो कई बार परमेश्वर कुछ करने के लिए कहेगा, कोई विचार आपको दे सकता है कि आपको ये काम करना चाहिए, कोई इच्छा आपके भीतर जग सकती है कि आपको ये काम करना चाहिए, फिर जाकर आप उस काम को कीजिए, फिर आप प्रार्थना का उत्तर पूरा होते हुए देखेंगे। विश्वास है तो पहले से अपेक्षा है, पहले से मालूम है कि क्या होने वाला है। इसलिए जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, उत्तर देखते हैं, तो हम ताज्जुब में नहीं पड़ते, क्योंकि हम जानते हैं कि यही होने वाला था। लेकिन जो लोग विश्वास से प्रार्थना नहीं करते, वे ही लोग उत्तर पाकर ताज्जुब में पड़ जाते हैं, शायद किसी और के द्वारा से मिला था। एक बार की बात है, पतरस को उन्होंने पकड़ लिया था और उसके साथ दूसरा चेला याकूब भी पकड़ा गया था। याकूब को तो उन्होंने मार डाला हेरोदेस। ये घटना आपको मिलेगी प्रेरितों के काम अध्याय 12 में, हम लोग वहां पढ़ेंगे नहीं, पर ऐसा हुआ कि याकूब को मार डाला। पतरस तो उससे ज्यादा हेट था, तो उन्होंने सोचा कि पतरस को किसी खास दिन मारा जाए, तो उसको जेल में रख दिया। तो वचन कहता है कि पतरस को बांध करके उन्होंने अंदर की कोठरी में रखा और दो जंजीरों से वो बंधा हुआ था, और वो जंजीर भी एक एक सिपाही से कनेक्टेड थे, और जिस जगह पर रखा हुआ था वो चार पहरे वाला स्थान, एक के बाद एक सिपाही बदलते रहते थे पहरों में,
और जब आप एक पहरे से बाहर निकलेंगे तो दूसरा पहरा होगा। और कहते कि कलीसिया लौ लगाकर पत्रस के लिए प्रार्थना कर रही थी, मरकुस के घर में इकट्ठा हुई थी, यूहन्ना मरकुस के घर, उसकी मां का नाम मरियम था, वहां पर इकट्ठे होकर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। जब मैं उस पूरे अध्याय को पढ़ता हूं, पूरा 12वां अध्याय, तो मुझे एक भी आदमी नहीं दिखाई देता है जो विश्वास से प्रार्थना कर रहा है, सिवाय एक जन, एक को छोड़कर बाकी कोई भी विश्वास से प्रार्थना नहीं कर रहा। शायद यूहन्ना मरकुस, क्योंकि इतिहास बताता है कि पतरस यूहन्ना मरकुस के द्वारा, यूहन्ना मरकुस पतरस के द्वारा ही विश्वास में आया था, तो पतरस उसके घर आता जाता होगा। तो उन्होंने अपने घर में एक दासी रखी थी जिसका नाम था, बाइबल में लिखा है रोदा या रुदय, ऐसा कुछ नाम, और उसका अर्थ होता है गुलाब। वो दासी का नाम गुलाब था लेकिन काम दासी का था, लेकिन शायद वो चाय देती होगी, पानी देती होगी, जो भी देती होगी, पतरस जो भी बोलता था जब वो आता था तो ध्यान से सुनती होगी, सुनते सुनते उसने विश्वास करना सीख लिया होगा। और जितने लोग घर में सज धज के पतरस के सामने बैठते थे उन्होंने विश्वास करना नहीं सीखा था। और नतीजा क्या हुआ, जब पतरस को जेल में डाल दिया गया तो उन्होंने इकट्ठा किया सारी कलीसिया को, उस समय तो हमारे जैसे चर्च बिल्डिंग नहीं होते थे, आओ आओ हमारे घर में आज होल नाइट प्रेयर करें, पतरस जेल में क्या पता मार दिया जाए, याकूब को भी मार दिया गया, लोग वहां इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना सुनी गई, ठीक है, प्रार्थना सुनी गई, स्वर्गदूत गया पतरस को छुड़ा कर ले आया। और जब पतरस आया तो यूहन्ना मरकुस के घर में आया, उसको मालूम था कि अगर प्रार्थना हो रही होगी या कोई घर जाना है तो वही घर। उस समय दरवाजे में खिड़की होती थी जैसे अब आई होल होते हैं, आग लगाकर देखिए कौन है बाहर। तो उसने खटखटाया और उस दासी ने वहां आकर उसका शब्द सुना, बाइबल कहती है उसने उसका शब्द सुना, पतरस ने आवाज लगाई और उसने उसका शब्द सुना और लिखा है कि वो आनंद से भर गई और भीतर दौड़ करके गई और कहने लगे कि पतरस छूट गया, प्रार्थना करना बंद करो। लोग उसको कह रहे पागल है तुम, आप खुद पढ़कर देख लीजिए, पागल हो, वो जेल में है, वो सिपाहियों के बीच में है, चार चार पहरे के बीच, वो कैसे आ सकता है, तू पागल हो गई है। लेकिन उसका रिएक्शन क्या था, वो बड़े आनंद से भर गई थी, उसने पतरस को देखा नहीं था, खिड़की खोलकर भी नहीं देखा कि पतरस है भी कि नहीं, कंफर्म कर ले, बस आवाज सुनी वो जान गई कि पतरस, क्यों क्यों आनंद से भर गई, क्योंकि वो विश्वास कर रही थी। जो विश्वास करते हुए ताजुब में नहीं पड़ते, वे जब उत्तर देखते तो आनंद से भर जाते हैं। लेकिन वो कहने लगे कि नहीं पतरस है, लोग कहने लगे तुम हम लोग से ज्यादा जानती हो, थियोलॉजी पढ़ी हो, उसका स्वर्गदूत होगा, पतरस जेल में ही होगा, प्रार्थना कर रहे थे लोग लौ लगा, फिर भी वो कहने लगी। तो आखिरकार वे बाहर निकले, खिड़की खोलकर देखा तो सचमुच पतरस ही है, और लिखा है वे लोग ताज्जुब में पड़ गए, अरे कैसे हो गए, सारी कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी लेकिन विश्वास कोई नहीं कर रहा, सिर्फ वो दासी विश्वास कर रही थी। उनका रिएक्शन देखकर पता चलता है। तो जब आप विश्वास करते हैं, आप खुद भी जानिए किसी बात को लेकर आपने प्रार्थना की और आप उत्तर देखकर क्या रिएक्शन हुआ आपका, आप आनंद से भरे या ताज्जुब में पड़े। अगर आप ताज्जुब में पड़े तब तो किसी और के विश्वास से उत्तर मिला, क्योंकि आपने अभी तक विश्वास नहीं किया था, आप ताज्जुब में क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमको ताज्जुब में पढ़ना ही नहीं है, हम तो प्रार्थना से पहले ही जानना चाहते हैं कि वो क्या होने वाला है और उसको पहले ही सोच लेते हैं यही होने वाला है। अच्छा होता है तो मुझे मालूम, हम यही मांगा था, इसमें अचरज की क्या बात। प्रार्थना का उत्तर पाने का रहस्य यही। दूसरी बात, बहुत सारी बातें, समय कम पड़ जाता है हमेशा। मैं आपको छांट कर कुछ बातों को बताऊं क्योंकि आपको जाना भी होता है। मरकुस का सुसमाचार जहां हमने खोलकर पढ़ा था, हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, मरकुस अध्याय 11 पद 24 हमने पढ़ा था और उसके पद 25 को देखिए, वहां पर लिखा है
और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो एक यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो जब हम प्रार्थना करें तो किसी के प्रति हमारे मन में विरोध नहीं रहना चाहिए। ये मानो इस प्रकार की स्थिति है कि हम तो खुद किसी के प्रति विरोध रखते हैं और हम चाहते कि प्रभु हम पर विरोध ना रखे, प्रभु हमारे पक्ष में रखे, हमारी जो कमजोरी हमसे जो भूल चूक है उस पर दया करे, लेकिन हम किसी पर करना नहीं चाहते। तो हम प्रभु के साथ तालमेल नहीं कर रहे। ये बातें हमें उसके इसके साथ एक आत्मा होने में रुकावट पैदा करें, क्योंकि एक तरफ तो चाहते कि प्रभु हम पर दया करे, दूसरी तरफ हम किसी पर दया करना नहीं चाहते। तो ये स्थिति हमें प्रभु के साथ जुड़ने में रुकावट देगी। इसलिए ये स्थिति ना रहे, इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को क्षमा करना सीखें। हमने सीखा था प्रेम करने के विषय में, जब तक हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते तो प्रेम भी नहीं कर सकते। तो हम उसको क्षमा करना सीखते हैं। हम इसी लिहाज से क्षमा करते हैं कि जैसे उसने हमें क्षमा किया था वैसे ही हम लोगों को क्षमा करें। जब तक यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े नहीं थे, उनका कहना इसी रीति से होता था कि तुम क्षमा करो और तुम भी क्षमा किए जाओ। जब वो क्रूस पर चढ़ गए उसके बाद बातें बदल गई। अब हम इसलिए क्षमा करते हैं क्योंकि हम क्षमा किए गए। मैं आपको रेफरेंस भी दिखाऊं, जब तक आप यीशु के क्रूस पर चढ़ने से पहले क्षमा की बात पाएंगे तो यही बात पाएंगे कि तुम क्षमा करो ताकि तुम भी क्षमा किए जाओ। लेकिन उसके क्रूस पर चढ़ने के बाद जब इस बात को कहा गया तो बात उलट गई। क्या आ गई? तुम क्षमा करो क्योंकि तुम भी क्षमा किए गए। हम अपने उस नए मनुष्यत्व से तालमेल रखते हैं, उसके साथ हम एक कतार में आते हैं, हम उसके साथ ट्यूनिंग में रहना चाहते हैं। इफिसियों की पत्री में देखिए उस पद को लिखा हुआ। इफिसियों की पत्री और उसका चौथा अध्याय और उसका आखिरी पद, इफिसी 4 उसके 32, और उसी प्रकार कुलुसियों की पत्री में भी हम लोग देखेंगे। लिखता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे उसने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सो आज हम हमारे पापों के क्षमा के लिए किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसने हमें क्षमा किया इसीलिए हम किसी को क्षमा कर रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा कर्जदार थे, हम 1000 तोड़े के कर्जदार थे और हमारे पीछे वाला 10 तोड़े का कर्जदार था। तो उसने हमारे 1000 तोड़े माफ कर 10000 तोड़े माफ कर दिए, तो हम उसके 100 तोड़ों का कर्ज माफ करते हैं। उसी प्रकार आप कुलुसियों की पत्री में भी पढ़कर देख सकते हैं। कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके पद 13, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो तुम क्षमा करो क्योंकि तुम क्षमा किए गए हो। तो हमने पहले पाया है इसलिए हम देते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। सो जो हमारी मानसिक स्थिति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, एक तो हम विश्वास करते हैं, दूसरा हम जो नया मनुष्यत्व दिया गया है उस नए मनुष्यत्व के साथ हम अलाइन हो जाते हैं, हम उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, क्योंकि वो हम पर दया करके हमको दिया गया था और हम भी चाहते कि जिस रीति से हम पर दया किया गया उस रीति से हम भी दूसरे पर दया करें, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में संपर्क कर रहे हैं। उस रीति से एक और स्थिति है जो पति पत्नी के विषय में लिखा गया है, पहले पत्रस की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके पद 7। पहला पत्रस अध्याय 3 और उसके पद 7 को देखिए, और यहां लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। अब देखिए यहां पर पति पत्नी की बात, पति और पत्नी एक दूसरे के अंग हैं, एक दूसरे के हिस्से हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारा जो दाहिना हिस्सा है वो हमारे बाएं का हिस्सा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अंग हैं। अगर दाहिने को भी कुछ दर्द होगा तो बायां भी मदद करते हैं, और यदि हम कह दें कि नहीं हम दाहिने बाएं में बांट देते हैं, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हम मर ही जाएंगे, क्योंकि दिल कहेगा कि मैं बाएं वाले के लिए धड़कूंगा और दाहिने वाले को खून नहीं दूंगा,
अब लीवर कहेगा क्योंकि मैं दाहिने हिस्से में रहता हूं, मैं बाएं वाले को सपोर्ट नहीं करूंगा। किडनी भी अपना अपना काम बांट ले, एक दाहिने एक बाएं, फिर बड़ी मुसीबत हो जाए, फिर फेफड़ा क्या करेगा? हमारा शरीर तब काम करता है अच्छे ढंग से जब हम एक होकर रहते, हमारे सारे अंग एक होकर रहते। उसी प्रकार जब पति पत्नी है तो उनके बीच में तालमेल होना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि पति या पत्नी में से कोई एक प्रभु के विषय में अच्छी रीति से जानते हैं, पति अच्छी रीति से नहीं जानते, उनकी शादी हो गई तो जाहिर है कि आत्मिक स्तर में अंतर होगा। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम उस अंतर को पाटने की कोशिश करें। ये नहीं है कि जब दोनों एक लेवल पर आ जाएंगे तब जाके प्रार्थना सुनी जाएगी, नहीं, उनका लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। जैसे यहां पति को कहा गया कि पति अपनी पत्नी को ये मत सोचो कि उसको तो चलो हमको प्रार्थना करना, तो वैसे नहीं करो, उसकी सहायता करो, उसके साथ में तालमेल स्थापित करो जितना तक संभव होता है, और नहीं करने पर तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक सकती। तो हम नहीं चाहते कि हमारी प्रार्थनाएं रुकें, और इसलिए पति पत्नी को भी तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सिर्फ तालमेल बिठा के जिंदगी जीने की बात नहीं, हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने का भी सवाल है। तो हम तालमेल रखना चाहते हैं। परमेश्वर ने इन बातों को ऐसा जोड़ दिया, पति पत्नी के साथ ही क्यों जोड़ा? क्योंकि जो यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता है वो भी दुल्हन और दूल्हे के समान का ही रिश्ता है। तो वो चाहता है कि उस रिश्ते को कद्र दी जाए जो रिश्ता यहां पर है उसके द्वारा। यहां पर पति पत्नी का रिश्ता संसार में एक पति होता है एक पत्नी होती, तो उस रिश्ते में हम कद्र करें, उस रिश्ते की हम कद्र करें, क्योंकि जिस प्रकार यीशु मसीह हमारी कद्र करता और हम यीशु की कद्र करते हैं, आखिर हम तो एक दूसरे के पति पत्नी होंगे, यीशु मसीह हमारा दूल्हा होगा। सो वो तालमेल यहां भी दिखाई दे, जो नया मनुष्यत्व नया व्यक्तित्व हमें दिया गया उसके मुताबिक यहां भी हम अलाइन हो जाए, उसके मुताबिक यहां भी तालमेल हो जाए। ये हमारी मानसिक स्थिति है। अब सवाल उठता है, और भी बातें हो सकती है पर मैं समझता हूं कि आप उसको जानते हैं। अब सवाल उठता है कि हम उससे क्या मांग सकते हैं, ठीक है? बहुत बार एक सवाल उठ जाता है, उस सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूं। क्या मांग सकते हैं परमेश्वर से? यीशु मसीह ने कहा सब कुछ मांग सकते हैं, कुछ भी। योहन्ना और उसका अध्याय 15 और उसके पद 7, जब वो कह रहा था दाखलता मैं हूं डालियां तुम हो, डालियों में फल लगेगा, मेरे पिता की इच्छा यही है, तुमको इसी बात के लिए नियुक्त किया गया, तो उसने कुछ बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी कहा था। कई बातें ऐसी है जिसके लिए हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, अपना अधिकार इस्तेमाल करने की जरूरत। हम अधिकार इस्तेमाल करते हैं, आंधी को थामना हो, पहाड़ को हटाना हो, सहतूत के पेड़ को उखाड़ना हो, तो हम प्रार्थना नहीं करते, हम कहते कि उखड़ कर समुद्र में चला जाए, अधिकार इस्तेमाल करते हैं। उसके विषय में आप समझ गए। लेकिन जहां पर हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात हो जाती है तो हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। लेकिन हम उस निवेदन में क्या मांग सकते हैं? यहां पर लिखा है 7वां पद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो। हम यीशु मसीह में कैसे बने रहते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो वही, लोग कहते हैं कि हम अपने अच्छे चालचलन के द्वारा यीशु मसीह में बने रहते हैं, गलत जवाब। हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में बने रहते हैं, क्योंकि विश्वास से अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ना तो तुम्हारे कर्मों के कारण। अगर कर्मों के कारण होता तो स्वर्ग में जाकर हम एक दूसरे के सामने से एक ही भगाते, और हम कहते दुनिया में बहुत सारे लोग थे, मेरे अगल बगल भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं उनसे आगे निकल गया और देखो आज मैं स्वर्ग में हूं। हमें स्वर्ग में घमंड करने की जगह हो, लेकिन किसी को घमंड करने की जगह ना हो, इसलिए उसने कहा विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से। तो हम परमेश्वर के साथ जब जुड़े हैं, यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, सिर्फ विश्वास के द्वारा जुड़े हैं। जब चेले यीशु के साथ में चलते थे तो उस समय कितनी ही गलतियां करते थे, यीशु मसीह उनको झिड़कते थे, हे अल्पविश्वासी। पतरस को तो उसने कह दिया हे शैतान तू मेरे सामने से दूर,
उस स्थिति में भी वे विश्वास करते हुए यीशु के साथ चलते रहे, वे यीशु के साथ बने रहे। हम विश्वास के द्वारा उसमें बने रहते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे, उसका क्या है? जब आप यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ेंगे जहां ये बातें लिखी गई, कभी भी आप यीशु मसीह को बोलते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो लंबी लंबी बातें बोल रहे हैं, लंबा लंबा उपदेश दे रहे हैं। आपको एक होमवर्क दिया जाता है, आप उन सारे उपदेशों को पढ़िए, एक ही बार में एक उपदेश देने, जब उसने दिया पूरा उपदेश पढ़िए, पूरा डिस्कोर्स पढ़िए कि जब वो बोल रहा था जीवन की रोटी मैं हूं, तो कहां से उसने शुरू किया था और कहां तक ये बातें चली, और उस पूरे लिखावट का संदेश क्या उभर कर आता है, आप उसको निकाल कर देखिएगा। उसी रीति से जब उसने चेलों से बातचीत की, यहां पर जब वो प्रभु भोज की रोटी तोड़ा, उसके बाद बातचीत करना शुरू किया, यूहन्ना के 13वें अध्याय से स्टार्ट होगा, सीधे 16वें अध्याय में समाप्त होगा। तो पूरा संदेश समझने की कोशिश कीजिए कि उसने क्या कहा। इसी प्रकार यूहन्ना में जितने भी उपदेश यीशु मसीह ने दिए, जितने भी बातें उसने कही, सारा का संदेश निकालने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो संदेश है वही वचन है। मेरा वचन तुम में बना रहे, अर्थात जो संदेश मैं लेकर आया वो तुम में बना रहे। वो संदेश क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, आपको आसानी होगी बात। वो संदेश यही था कि मैं एक दिन तुम्हारे लिए मरने वाला हूं, एक दिन तुम्हारे लिए मरने वाला हूं, मेरा लहू बहाया जाने वाला है, मेरा मांस तुम्हारे लिए दिया जाने वाला है, मेरी देह तोड़ी जाने वाली, मैं जी उठने वाला हूं। सो उसके संदेश में यही बातें छुपी हुई थी और यही बातें वो प्रकट कर रहा था अपने संदेश में, यही उसका वचन था। और उसने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो विश्वास के द्वारा और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा संदेश तुम में बना रहे कि तुम उस रीति से विश्वास करते रहो जैसा तुम्हारे पास था। तो यदि ये बातें हैं और हमारे साथ में ये बातें हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके संदेश हमारे भीतर बना रहता है। तो उसने कहा जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब जब ऐसा हो गया, इसका मतलब है कि जाहिर है कि हम कुछ भी गलत चीजें नहीं मांगेंगे, क्योंकि जो चाहो मांगो, अब आदमी को अगर कह दिया जाए जो चाहो मांगो, अगर वो प्रभु का जन नहीं है तो बुरी ही चीज मांगता है, क्योंकि वचन में लिखा है उसके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है, बुरी ही चीज मांगेगा। लेकिन ये दो शर्तें यदि आप पूरी कर रहे हैं तो आप बुरी चीज नहीं मांगेंगे, और जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, इससे बड़ा और क्या कहा जा सकता है। आपको और क्या चाहिए, जो चाहते हो मांग लो, जो अच्छी वस्तुएं हैं चाहते हो मांग लो और तुम्हारे लिए हो जाएगा, कोई रुकावट की बात नहीं। लोग कहते कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना होता है, कि परमेश्वर जो चाहता है उस चीज को मांगोगे तो मिलेगा, जो परमेश्वर नहीं चाहता है उसको तुम चाहो भी और मांगो भी तो नहीं मिलेगा, तब तो झूठ बोला। एक समय की बात है, इज़राइल में शमूएल नबी था, और उस समय लोगों ने सोचा शमूएल तो बूढ़ा हो गया, उसके बेटे तो नालायक निकले, अब कौन हमारा राजा होगा, कोई तो राजा हो। उन्होंने झुंड बनाकर शमूएल के सामने इकट्ठे होकर कहा हमें राजा चाहिए। शमूएल को बुरा मालूम पड़ा क्योंकि उन्होंने उसको इग्नोर किया, मैं नबी हूं फिर भी राजा मांग रहे, उसको इसलिए धक्का लगा। और तब वो जाके प्रार्थना करने परमेश्वर के पास पहुंचा और परमेश्वर से कहने लगा, तो परमेश्वर ने कहा कि मुझे भी बुरा लगा। शमूएल को राहत महसूस हुई, चलो बुरा तो लगा, अब कम से कम राजा नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, लेकिन इसलिए कि उन्होंने राजा मांग लिया है तो राजा दे देते हैं, कैसा रहेगा। अब शमूएल क्या करे, ठीक है प्रभु फिर जाओ, मैंने साउल को चुन लिया है वही उनका राजा होगा। जो कुछ उन्होंने मांगा था वो खुद शमूएल को बुरा लगा, वो खुद परमेश्वर को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने मांगा था तो दे दिया। तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जब पुराने नियम में हो सकता तो नए नियम में क्यों नहीं, यानी में भी हो सकता है। और असल में किसी वचन का यह अर्थ नहीं है, मैं आपको उस वचन को निकाल कर अभी दिखाऊंगा, किसी वचन का वो अर्थ नहीं है, फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, किसी वचन का यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर कुछ चाहता है और परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है। तो जो कुछ वह चाहता है पहले उसको जानो कि क्या चाहता है और उसको मांगो और तुम्हारे लिए होगा। अगर तुम कुछ चाहते हो और वो परमेश्वर नहीं चाहता है तो नहीं हो,
जाहिर है कि गलत बातें तो आप नहीं मांगने वाले हैं। इतने दिन से सीख रहे, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। इसीलिए प्रार्थना का विषय इतने देर से रखा गया। आइए हम लोग उस पद को देखें। सबसे पहले यूहन्ना, पहला यूहन्ना और उसका पांचवा अध्याय हम थोड़ी देर में समाप्त करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग इसको समाप्त कर दें। जब बातें खुलनी आरंभ हो जाती हैं तो चलती चली जाती हैं। पांचवा अध्याय और उसका पद 14-15 देखिए। यहां पर लिखा है, हिंदी में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसको केजेवी से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया भी है। लिखता है कि हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। देखो यहां पर साफ साफ लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। यदि हमारी प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार है, जो कुछ चाह रहा है परमेश्वर भी वही चाह रहा है, तब तो होगा। यहां साफ साफ लिखा, मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से पढ़ा और इंग्लिश में पढ़ा तो मेरा विचार बदल गया। इसके ठीक बाद वाला पद क्या कहता है? वो कहता है कि जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो पद 14 और पद 15, तो पद 14 और 15 का पहला हिस्सा दोनों हमारी सुनवाई के विषय में है कि परमेश्वर के पास हमारी सुनवाई कब होती है, परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाती है, सुनवाई के विषय में। तो उसका उत्तर यह है कि परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना की सुनवाई तब होती है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। और उसकी इच्छा क्या है कि हम कैसे मांगे? उसकी इच्छा यह है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। अर्थात उसकी इच्छा यह है कि हम यीशु के नाम में मांगे। यहां पर जब वो कहता है कि अब यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें मिलता है, तो उसमें यह नहीं है कि उसकी इच्छा के अनुसार हम क्या मांगते हैं, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार हम कैसे मांगते हैं, यह सवाल है। उसकी इच्छा है कि हम क्या मांगे, यह सवाल नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा है कि हम कैसे मांगे, यह सवाल है। और उसकी इच्छा क्या है, कैसे कैसे मांगे? हम यीशु के नाम में मांगे। और जब हमको मालूम होता है कि जब सुनवाई हो रही है, जब सुनवाई हो रही है ये हमको मालूम हो जाता है, तो जो कुछ हमने मांगा उससे पाया। इंग्लिश में पढ़ेंगे पद 14 और पद 15। देखिए यहां है, एंड इफ वी नो दैट ही, पद 14 हाँ यहां पे लिखा है, एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. Question is about hearing. Hearing mil rahi hai ki nahi? To hearing kab milegi? Sunwai kab milegi? Jab hum uski ichcha ke anusar mangte hain. Uski ichcha ke anusar mangna, arthat ek mangne ka tarika usne diya. Us tarike se hum aa rahe hain ki nahi? Yadi hum us tarike se mang rahe hain, तो सुनवाई होगी। यदि हम उस तरीके से नहीं मांग रहे हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। और उसकी इच्छा क्या है, हम किस तरीके से मांगे? यीशु के नाम से। और उसके बाद लिखते हैं, एंड इफ वी नो दैट ही हियर्स अस, और जब हम जानते हैं कि हमारी सुनवाई हो रही है, जब हियरिंग हो रही है, तो प्रार्थना से पहले ही हमको मालूम हो जाता है कि हमारी सुनवाई हो रही है, क्योंकि जब हम यीशु के नाम में मांगते, और यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे नाम में मांगो, फिर उसने कहा जो चाहो मांगो, दोनों पद में कोई विरोधाभास नहीं है, और नहीं तो विरोधाभास हो जाता कि तुम जो चाहो नहीं मांग सकते हो, विरोधाभास नहीं है, जो चाहो मांग सकते हो, बात सुनवाई की है। और जब वी नो दैट, वो बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं जाती, जो इस प्रकार का अविश्वास है, तुमको उसके लिए प्रार्थना और उपवास करना चाहिए। जब तुम प्रार्थना और उपवास करोगे तो करोगे क्या, अपने शरीर को तुम झुका दोगे, अपने शरीर को तुम नीचे कर दोगे,
अपने शरीर के लिए तुम कहोगे कि ये भूख, ये प्यास और शरीर की लालसा है हमारे किसी काम की नहीं, वो मेरे पैरों के नीचे है। मैं आत्मा में आता हूं, मैं परमेश्वर का ध्यान करता हूं, मैं उसके समीप आता हूं, मैं उसके सामने बैठता हूं। और जब हम ऐसी स्थिति में आते हैं तो अविश्वास कब का गायब हो जाता है। हालेलुया। हम उपवास इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमको दुष्ट आत्मा को निकालना है। खा के गए तो दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा, भूखे पेट जाएंगे तो निकलेगा। हम ऐसे ही उसके ऊपर अधिकार रखते हैं, खा के रखे चाहे भी ना खाए रखें, हम रखते हैं। दुष्ट आत्मा को उल्टा उपवास रखना चाहिए, उसको हम पर अधिकार नहीं है। ट्राई करे भूखा रखे, हमको ट्राई करने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी ऊपर हैं। उसने हमें अपने साथ बिठाया है स्वर्गीय स्थानों में और वो हमसे बहुत नीचे। लेकिन हम शरीर में आ जाते हैं, मुख्य समस्या वहां, हम परिस्थिति के अनुसार देखते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, समस्या वहां है। इसलिए हमें चाहिए कि हम आत्मा में रहें। जब हम आत्मा में रहें, उपाय क्या है, हम प्रार्थना करें। यह अविश्वास का प्रकार बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं जाता। तो जब हम प्रार्थना करते हैं हम आत्मा में आते हैं, जब हम उपवास करते हैं हम आत्मा में आते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के अलाइन कर लेते हैं, हम उस पोजीशन में ले आते हैं जहां पर सारी बातें सीधी हो जाती है। परमेश्वर को हम नहीं मनाते, परमेश्वर को हम सीधा नहीं करते, वो ऑलरेडी है। हम अपने आप को उस पोजीशन में लाते हैं और तब प्रार्थना का उत्तर पाते हुए देखते हैं। कई बार का अनुभव किसी किसी का होगा कि हमने उपवास किया तो मिला, उसका मतलब ही नहीं था कि भूखा रख के कन्विंस कर लिए, परमेश्वर को भूख हड़ताल करके मनाना पड़ा, नहीं। आप उस अवस्था में प्राप्त पहुंचे जहां आप रिसीव कर सके, तो परमेश्वर आपकी सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू अपने संपूर्ण व्यक्तित्व से हमारे साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। पिता तू खुद, प्रभु यीशु तो खुद और पवित्र आत्मा तो खुद हमारे साथ इन्वॉल्व होना चाहता है कि हम आपके साथ प्रार्थना में लिप्त रहें। और इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने शरीर प्राण आत्मा समेत आपसे लिप्त रहें, हर परिस्थिति में लिप्त रहें, हम आत्मा में रहें। पिता उसके लिए तूने प्रार्थना करना हमें सिखाया, इन प्रियजनों को तूने सिखाया। पिता तू इनकी तो मदद कर कि वे प्रार्थना में वीर बनते चले जाए, सामर्थ्य बनते चले जाए, इनका प्रार्थना का जीवन अद्भुत होता चला जाए। जब ये प्रार्थना में बैठे पिता, ये कब शरीर से आत्मा में आ जाए और वहां पर आपके साथ समय बिताते चले जाए, समय का पता ही ना चले, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने पाए प्रभु। जब ये कहने पाए कि मुझे प्रार्थना करना जीवन में सबसे अच्छा लगता है, मुझे प्रार्थना करना सबसे आनंददायक लगता है, पिता उस स्थान में पहुंचने पाए। क्योंकि हम तो उस पीढ़ी को देखना चाहते हैं जो हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखा। हम चाहते कि ये समय उस प्रकार के लोगों से भर जाए जिनके विषय में कहा जाए कि इन्होंने धरती को उलट पुलट कर दिया है। पिता हम आत्मा से ही उलट पुलट कर सकते हैं। पिता हम ऐसा करेंगे क्योंकि हम तेरे साथ प्रार्थना में लिपटेंगे, हम तेरे साथ में बने रहेंगे, हमारी मदद कीजिए। जब कभी हम पुकारें पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए कि हम सही प्रार्थना कर सके, इन प्रियों की सहायता कीजिए कि वे सही से प्रार्थना कर सके। मैं जानता हूं ये तुझ में बने हैं, तेरा वचन इनमें बना है, इसलिए कोई बुरी बात है ये नहीं मांगेंगे, ये अच्छी चीजें मांगेंगे और जो ये मांगेंगे आप इसे पूरा करेंगे क्योंकि ये तेरे यीशु के नाम से मांगेंगे। और जब यीशु के नाम से मांगेंगे हमारी सुनवाई तेरे पास होती है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू अभी भी हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, तो उसका उत्तर हमारे लिए दे चुका है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।